हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने पिंजरे की सफाई करने वाले हैं। यहाँ से सारी इनकी मटकियाँ हंडियाँ जितनी भी हैं सब निकालेंगे। और ये मेरी हेल्प के लिए हुसैन आया है। हुसैन हाय बाय। ये हुसैन आया है, ये सफाई करेगा मेरे साथ मिलके। सारी हंडियाँ उतारेंगे पहले, जिसमें अंडे बच्चे हैं उनको एक साइड पे कर देंगे, उनकी मादा को एक साइड पे, और सारे पिंजरे में इन तोतों को हम एक पिंजरे में बंद कर देंगे। उसके बाद ये पिंजरे की सफाई होगी। देखें कितना गंदा हो रहा है हमारा पिंजरा। ये देखें नीचे तोते तोते कचरा कचरा है। और फिर उसके बाद हम इसकी सफाई करके इसको पेंट करेंगे अपने पिंजरे को अच्छा सा। इतनी गंदी हो रही थी हमारा पिंजरा के हमने कहा चलो भाई इसका भी मेकओवर कर दें ताकि ये भी अच्छा हो जाए। सारी मटकियाँ गंदी हो रही हैं, हर चीज़ गंदी हो रही है। थोड़ा इनको भी आराम का मौका मिल जाए, ये भी आराम कर लें थोड़ा सा। इनकी खिलाई पिलाई ज़रा अच्छी कर दें हम। ये देखें सारे लड़ रहे हैं, भाई हमारा घर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो हमारा घर लेके। हुसैन को देखो बातें सुना रहे तोते, गालियाँ दे रहे हैं। ले भैया गालियाँ दे रहे हैं भाई, यूट्यूब चैनल है मेरा, क्यों गालियाँ दे रहे हो भाई। देखो ज़रा इतना शोर कर रहे हैं ये लोग। ये रहे तोते ऊपर, मैं पिंजरे के बाहर से बना रही हूँ वीडियो। अभी क्या कहते हैं ये काम हो जाए उसके बाद हम इसको धोना धुलाना करेंगे, साफ़ सुथरा करके फिर इस पर डिस्कार्ड करेंगे। और सारी मटकियों को हम ब्लैक कलर कर देंगे ताकि हमारी मटकियाँ वाले तोते दिखें। और वाइट कलर हम इस पर करेंगे अपनी दीवारों पे ताकि हमें छुपकलियाँ दिख जाएं, वाइट कलर में नज़र आएंगी वो, इधर उधर छुपेंगी तो दिखेंगी। अरे भाई नुकसान क्यों कर रहा है उस टाइम मेरा। हाँ हाँ रखो, ये देखो ज़रा ये मेरा नुकसान करने में लगा हुआ है। इनकी मटकियों में तोड़ेगा फोड़ेगा तो फिर मेरा ही नुकसान होगा ना, मेरा ही खर्चा होगा भाइयों। देखो ज़रा कोई समझाओ इसको हुसैन को। जब साहब बोले जा रहे इधर मटकियों की लाइन लग चुकी है नीचे, और ये जो केज पड़ा हुआ है इसमें हम अपने तोतों को शिफ्ट कर देंगे, सारे तोतों को पकड़ के। अब ये हुसैन से काम करवाएंगे। चलो हुसैन आया हुआ है, काटा हुसैन को कॉकटेल ने, बड़े मज़े से कॉकटेल पकड़ रहा था ये बच्चा, अच्छा लग रहा है। और कॉकटेल ने से काट दिया, नलाए मेरे काट दिया, इतना अच्छा बच्चा और इतना बदतमीज। पोते भी पागल हुए हुए थे, इन्होंने क्या कहते हैं अंडे वगैरह भी देके और बैठे हैं, बच्चे भी नहीं निकाल रहे थे। तो मैंने कहा चलो बेचारे ये भी थक गए होंगे, इनको भी थोड़ा आराम दे दें और इनकी खिलाई पिलाई करेंगे। फिर इंशाल्लाह एक दो महीने बाद दोबारा से मक्खियाँ लगा दूँगी, उसके बाद ये अच्छी ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह। अब ये हुसैन नीचे से पकड़ रहा है और हुसैन को अभी भी काटक पीटी जा रही है, काटने में लगे हैं तोते। देखो कॉकटेल की पिटाई हो रही है, कॉकटेल ने हुसैन को काटा था, अब वो बदला ले रहा है। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरा चैनल अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। और देखो इसके बाद जब ये हो जाएंगी तैयार फिर हम आपको उसका भी विज़िट करवाएंगे, कलर करते हुए भी दिखाएंगे। अभी तो हम ये मटकियाँ वगैरह अलग कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर कर देना। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाद में आपको और चीज़ें दिखाएंगे। ये वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़। यहाँ कर तो उधर चले जाते थे।